ये दो काम करेंगे तो आपका प्यार बहुत ही ज़्यादा बढ़ेगा। हेलो फ्रेंड्स, लव टिप्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का धमाकेदार स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अक्सर क्या आप नहीं चाहते कि आप किसी लड़की के साथ या लड़के के साथ प्यार को दो गुना, चौगुना या सौ गुना बढ़ा लें, प्यार आपका बढ़ता ही जाए, कोई दिक्कत ना आए, कभी ऐसे दिन देखने ना पड़े जहाँ पर ब्रेकअप हो। मुझे पता है सबकी यही ख्वाहिश है, लेकिन क्या सही डायरेक्शन में ये हम सोचते हैं? क्या हम ये करना तो चाहते हैं लेकिन उसके उपाय, उसकी टिप्स हमारे पास है? नहीं है। कहीं ना कहीं हम ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से प्यार बढ़ता जा रहा होता है लेकिन वो कम हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कौन सी वो दो चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी और कौन सी दो चीज़ें वो करनी है, यानी कि साथ में ही मैं बताऊँगा कि कौन सी दो चीज़ें करने से आपका प्यार बढ़ेगा ही बढ़ेगा। चलिए समझ लेते हैं। सबसे पहली चीज़, फिज़िकल होने की जल्दबाजी ना करें। अब आप कहेंगे फिज़िकल ना हो जाए, हमारी फिज़िकल जो इच्छा है वो पूरी कैसे होंगी? देखिए, जब भी आप नए नए रिश्ते में आते हैं तो थोड़ा वक्त दीजिए, ऐसी परिस्थिति को पैदा होने दीजिए। सबके रिश्ते में ये परिस्थिति पैदा होती ही है जहाँ पे आप न चाहते हुए भी एक दूसरे को टच कर लेते हैं, जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं वैसा ही कुछ होता ही होता है। पर अक्सर लड़के इसकी शुरुआत करते हैं और धीरे धीरे, उसको समय दीजिए। मैं इतना लेट होने को भी नहीं बोल रहा, लेकिन समय दीजिए। ऐसा नहीं कि तुरंत फिज़िकल होने की और ही आपका माइंडसेट हो, नहीं। हाँ, धीरे धीरे आप टच कर सकते हैं, हाथ पकड़ सकते हैं, हग कर सकते हैं, उसके बाद धीरे धीरे टाइम देने के बाद किस कर सकते हैं, लेकिन फिज़िकल मत होइए शादी से पहले तो हरगिज़ नहीं। अगर आप उनको पूरी ज़िंदगी प्यार करना चाहते, प्यार बढ़ाना चाहते हैं, तो आपका इरादा कुछ और है तो वो इस वीडियो में आपका कोई काम नहीं है, आप इस वीडियो को छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप एक लड़की या लड़के को पूरी ज़िंदगी रखना चाहते हैं तो ये वीडियो कंटिन्यू कीजिए। ये सब अलाउ है, हग, टच, किस, लेकिन फिज़िकल मत होइए। जब भी वो हस्बैंड और वाइफ बन जाए उसके बाद ही करें। आप दोनों की इच्छा है तो करिए, वो बात अलग है, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि ऐसा कर देने से क्या है, आपका प्यार कहीं ना कहीं बढ़ेगा, क्योंकि आप में जो तलब है वो तो साइड पे हो जाएगी। एक बार अगर फिज़िकल हो लिए तो ऐसे कई चांसेस हो जाते हैं कि कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इच्छाएं ख़त्म हो गई। तो ये सबसे पहली चीज़ आपको ख़ास ध्यान में रखनी है, फिज़िकल होने की जल्दबाजी नहीं करनी है। दूसरा बहुत ही अलग काम है, वो है आपको एक रेशियो को बैलेंस करना है। ऐसा कहा जाता है कि फॉरेन में 95% टाइम खुद को दिया जाता है, खुद के ऊपर, खुद के करियर के ऊपर दिया जाता है, और 5% टाइम जब बचता है तो दोस्तों को, रिलेशनशिप को दिया जाता है। वहीं इंडिया पे 60% टाइम खुद पे दिया जाता है और 40% टाइम रिश्तों में दोस्तों के साथ दिया जाता है। इसीलिए कहीं ना कहीं हमारी ग्रोथ नहीं हो पाती। जब हमारी ग्रोथ ही नहीं होगी तो हम अपने परिवार वालों को या तो फिर अपने पार्टनर को कैसे हैंडल करेंगे? देखिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ आप टाइम ना दें, जितना टाइम ज़रूरी है उतना ही दें, ऐसा नहीं हद से ज़्यादा बस उनको ही टाइम देते रहे, नहीं। खुद के रूटीन को फॉलो करें जैसा आप करते थे रिलेशनशिप में आने से पहले, वो सब करें ही करें। ऐसा नहीं कि रूटीन को भूल गए और रिलेशनशिप को ही ध्यान में दें, नहीं। खुद का विकास तो करना ही करना है, तभी रिलेशनशिप डेवलप होगी। अगर आप खुद के विकास में कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपका प्यार नहीं बढ़ेगा। आपने कभी ऐसे दिमाग में थॉट लाए कि क्यों अक्सर लोग बिंदास होते हैं, क्यों ज़्यादा खुश होते हैं? क्योंकि उनकी लाइफ बैलेंस्ड होती है, जितना जहाँ पे जिसकी वैल्यू उतना, पैसों को जितनी वैल्यू देनी है उतनी ही दी, समय को, परिवार वालों को, संबंध को, जो भी दोस्तों को जितनी वैल्यू चाहिए उतनी ही दी, ज़्यादा वैल्यू नहीं दी। हद से ज़्यादा जहाँ पे वैल्यू देंगे लाइफ का बैलेंस अनबैलेंस हो जाएगा और कहीं ना कहीं आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो जहाँ पे जितनी आवश्यकता हो उतना टाइम दीजिए, उतना पैसा, सब कुछ वही चलता रहेगा तो प्यार अपने आप बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि हर पहलू में आपको सफल होना है। ऐसा नहीं सिर्फ रिलेशनशिप अच्छा हो लेकिन खाने के लिए पैसे ना हो, नहीं, सब कुछ अच्छा होना चाहिए, सब कुछ बैलेंस्ड होना चाहिए। तो ये रेशियो है, आपके हिसाब से जो भी हो आपका रेशियो, हो सकता है आप 2% दिन का टाइम दे या तो फिर दिन का आधा घंटा, एक घंटा, जैसे जिसका जो भी रूटीन हो वैसे ही आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन वो बैलेंस लाइफ मेंटेन करें ताकि आपका प्यार बढ़ता रहे। तो ये दो बहुत ही खास चीज़ है, बहुत ही खास, जिससे आपका प्यार बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सबसे पहला हमने देखा
फिज़िकल होने की जल्दबाजी नहीं करनी है, और दूसरा ये जो लाइफ का बैलेंस है वो आपको मेंटेन करना ही करना है। मुझे कमेंट बॉक्स में तुरंत बताइए ये दोनों में से कौन सा काम आप करते ही करते हैं। अगर दूसरा करते हैं तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ, आपका प्यार 100% बढ़ेगा। कोई सवाल हो तो तुरंत कमेंट बॉक्स में बताइए। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों फ्रेंड, वीडियो को देख रहे सारे GABF राजा मजनू लैला जो भी हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई भी सवाल या सुझाव हो बेझिझक कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू दोस्तों, नो बेटर लिव बेटर।